गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीको टू फोटो मटीरियल एम वन एंड एम टू द स्लो गई प्लान कॉन्स्टेंट ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम टू विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर कानिक एनर्जी हमें चेक करना कौन सा स्टेटमेंट चाहिए सबसे स्टेटमेंट वन के लिए हम लोग देखते हैं बी ओल नो इंस्टेंट इक्वेशन एक लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है एच न्यू दिस एच न्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट एच न्यू नॉट दैट इज वर्क फंक्शन प्लस कार्नेटिक एनर्जी मैक्मम ये लॉजिक हमको पता है अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन को हम लोग फाइव भी लिख सकते हैं कॉनेटिक एनर्जी मैक्म इज ई वी नोट ये वाई है और ये सक्सेस है तो हम इसको लिखेंगे ई वी नॉट इज गिवन बाई एच न्यू माइनस फाइव नोट और वी नोट इज गिवन बाई एच बाई न्यू माइनस फाइन नोट बाई ई तो वी कैन राइट इट लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इस ग्राफ का जो स्लोप है एम वो क्या दिखा रहा है एच अपॉन ई तो ये क्या बोल रहा है स्लोप ऑफ द ग्राफ्यूज एच अपॉन ई तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो गया आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट है एक तो ये सही लगने के चांस है स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है इसको काट दो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट है इसको भी काट दो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू आर करेक्ट अब हम इसको चेक करते हैं एम टू विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर द इंसीडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी अब आप ध्यान से देखो तो एम वन एम टू में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है पहले तो वो आप चेक करो तो इस ग्राफ को आप नीचे की तरफ बढ़ाओ इस लाइन को पीछे बढ़ाओ इस लाइन को, को पीछे बढ़ाओ तो आपको पता है ये स्लोप है ये इंटरसेप्ट है यही तो आपको वर्क फंक्शन दिखा रहा है फाइनोटोन ही तो एम वन का वर्क फंक्शन इतना है और एम टू का वर्क फंक्शन इतना है तो आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू वर्क फंक्शन ऑफ एम टू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ एम वन अब एम टू का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी और एम वन का वर्क फंक्शन कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पे क्या कह रहे हैं एम टू विल एमिट फोर्टो इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रेटर एनर्जी उल्टी बात हो गई तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट ऑप्शन वन सही है बहुत स्टेटमेंट वन एंड टू वर करेक्ट ऑप्शन फोर गलत हो गया तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑप्शन वन